देश की जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन। देश में कैंसर के इलाज को आम आदमी के लिए सुलभ कराने में निभाया था अहम योगदान। कैंसर के क्षेत्र में किया था गहन रिसर्च। जी हाँ, देश और दुनिया की जाने मानी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता ने अंतिम सांस ली। 94 साल की उम्र में चेन्नई में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर वी शांता देश के उन चुनिंदा डॉक्टर्स में शामिल थी जिन्होंने कैंसर के इलाज को आम आदमी के लिए सुलभ कराया। उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में गहन रिसर्च किया था। आपको बता दें, डॉक्टर शांता का जन्म 11 मार्च 1927 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने नेशनल गर्ल्स हाई स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद मेडिसिन के क्षेत्र में प्रवेश किया था और यहाँ वो अंतिम वक्त तक प्रैक्टिस करती रहीं। सन 1940 में उन्होंने MBBS की डिग्री ली, जिसके बाद 1952 में वो DGO बनी और फिर साल 1955 में उन्होंने गायनकोलॉजी में MD की डिग्री हासिल की थी। लेकिन वो लगातार कैंसर पर रिसर्च भी कर रही थी। आपको बता दें, समाज के लिए उनके इस योगदान को देखते हुए साल 2005 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आपको बता दें, वो एक प्रतिष्ठित परिवार से नाता रखती थीं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर उनके मामा और प्रसिद्ध वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन उनके नाना के भाई थे। डॉक्टर शांता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर शांता को शीर्ष गुणवत्ता वाली कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। आपको बता दें, वी शांता अद्यार कैंसर संस्थान की चेयरपर्सन भी थीं। उनके निधन से हर कोई शोक में डूबा हुआ है। जय भारत TV की तरफ से भी डॉक्टर वी शांता को भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।